बात करते हैं प्लैटीहेलमिन्थीज की। अगला फाइलम जो हमारा चौथा फाइलम है एनसीईआरटी में, टीनोफोरा के बाद में आपको मिलेगा प्लैटीहेलमिन्थीज। प्लैटीहेलमिन्थीज में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो टीनोफोरा से डिफर है, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो बाकी तीनों फाइलम से मिलती हुई हैं। तो उन चीजों को मैं अलग अलग आपको बता दूंगा कौन सी चीजें। आप जब तक इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेंगे तब तक आप इसको याद नहीं कर सकते। बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक फाइलम की एक करेक्टरिस्टिक याद कर लीजिए, आप उस फाइलम से कम 10 के 10, 11 के 11 फाइलम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं प्लैटीहेलमिन्थीज में। प्लैटीहेलमिन्थीज की पहली बात यह है, किसी जो एनिमल होते हैं वो बहुत चपटे होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है ऐसे कोई चीज हो उसको दबा दिया हो, फ्लैट। तो इनका एक कॉमन नाम ये होता है, इनको फ्लैट बॉम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए चपटे क्रमी कहा जाता है इनको बच्चों। क्या कहा जाता है? चपटे क्रमी इनको कहा जाता है, इतनी बात याद रखिएगा। प्लैटीहेलमिन्थीज नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत गंदे एनिमल होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं, कुछ चपटे क्रमी। अब ये भी है कि क्रमी को किस में रखा गया, तो क्रमी को रखा गया प्लैटीहेलमिन्थीज में, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद में इसमें सबसे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि जर्म लेयर होती है। अभी तक तीन फाइलम हमने पढ़े, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो इन तीनों में जो इनकी जर्म लेयर होती वो डिप्लोब्लास्टिक होती थी, बॉडी वॉल कैसी होती थी, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन यहां कैसी बन रही है, त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय इनकी बॉडी वॉल या जर्म लेयर होती है। इतनी बात समझ ली, अर्थात तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। बात क्लियर हुई, अब देखिए आगे क्या होता है। ये भी भैया बोले एडवांस तो तुम बहुत बन गए हो, लेकिन एक पॉइंट पुराना फिर लेके आ रहे, कौन सा, ये भी कैसे होते हैं, असिलोमेट होते हैं, अर्थात इनकी आहार नाल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती। मैं आपको हिंदी में भी बताता हूं, बट यहां लिखा हुआ इंग्लिश में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनसीईआरटी उठाइए और देखिए, वो इंग्लिश में हिंदी में दोनों में जो मैं आपको बताया जा रहा हूं आप उनको नोट करते चलिए। असिलोमेट का मतलब इनकी आहार नाल कंप्लीट नहीं होती है। देखिए दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे और एक मिल गया, क्या, कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है। बेटा कैसी होती है इनकी सिमेट्री, बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा एनिमल जो केवल और केवल एक जगह से ही बराबर दो भागों में बढ़ जाए, जैसे ह्यूमन को ले लीजिए, अगर यहां से कट करेंगे तो बराबर दो भाग बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर यहां से कट करोगे तो बराबर दो भागों में नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो हम लोगों के अंदर कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री, और इनके अंदर भी कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री। इतनी बात क्लियर हुई। तीन प्रकार की सिमेट्रियां, असिमेट्रिकल जिसमें कोई सिमेट्री नहीं, कहीं से हम नहीं काट सकते बराबर, रेडियल कहीं से भी काट दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और बायलेटरल कैसी होती है, केवल केवल एक भाग से हमको दो भागों में, मतलब कि एक जगह से काट के दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो सिमेट्री बायलेटरल। तो यहां से हमें दो नए पॉइंट मिल गए बेटा, एक तो मिल गया जर्म लेयर वाला, दूसरा मिल गया सिमेट्री का। तीसरा नया पॉइंट हमें क्या मिला है, तीसरा हमें नया पॉइंट मिला है इनका जो मतलब कि बॉडी का संगठन होता है शरीर का, वो कौन से लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का। देखिए अभी अंग तंत्र नहीं बना यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है, केवल केवल अंग बन गए यहाँ पे, अंग बनने स्टार्ट हो गए। तो ये कैसा है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के शरीर की बनावट जो होती है वो अंग स्तर की होती है, हिंदी में ये पॉइंट लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। कैसे होते हैं इंडो पैरासाइट, आंतरिक परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, आंतरिक परजीवी। अब परजीवी का मतलब बेटा आप सभी जानते होंगे, परजीवी क्या होते हैं, जो किसी दूसरे एनिमल से या प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। लेकिन ये आंतरिक है, आंतरिक अब किसी के बॉडी के अंदर घुस के रहते हैं, कहां रहते हैं, बॉडी के अंदर घुस के रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे आंतरिक परजीवी, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए रीजनरेशन इसकी क्या है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें अगला पॉइंट है कि भैया इनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इनमें पाया जाता है पुनरुद्भवन की क्रिया, रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर पाई जाती है, और बहुत ज्यादा। क्या मतलब हुआ इस रीजनरेशन पावर का, कि कहीं से एनिमल कटता है तो दोबारा से बहुत ही जल्दी क्या करता है, अपने आप को दोबारा बना देता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लेनेरिया है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं लेकिन आगे वो आएगा। प्लेनेरिया एक ऐसा फ्रेश वाटर एनिमल है, मतलब कि नदी तालाब में पाया जाता है, ठीक है। तो कैसा फ्रेश वाटर एनिमल है, जो क्या करता है बेटा, जो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, बहुत जल्दी अपने आप को बना लेता है,
मान लीजिए अगर मैं प्लेरेरिया का डायग्राम बनाऊं, इधर दिख रहा होगा शायद आपको, चलो मैं इधर बनाता हूँ, यहाँ बनाऊंगा मैं प्लेनेरिया का डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, ये बना हमारा प्लेनेरिया, ठीक है। देखिए ये इसका माउथ के समान संरचना है, लग रहा है कि मुख है लेकिन ये है नहीं, हमें दिखाई दे रहा है इसमें। तो इसमें क्या होती है, ये इसकी आई स्पॉट होती है, देखिए आई स्पॉट, ये पॉइंट इसमें आना चाहिए वैसे, आई स्पॉट। अब क्या होता है, ये हेड है इसका, ये ऊपर वाला हेड के समान संरचना। तो जहां पे हेड के समान संरचना का निर्माण होता है तो उस वाली जो टर्म होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं सिफलाइजेशन। तो इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि इनमें सिफलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है, सिफलाइजेशन, यानी इसमें क्या है, हेड बनना स्टार्ट हो गया, आई स्पॉट बन गए, आंखें जैसी कुछ संरचना दिखाई देने लगी है नहीं इसमें। जैसे आपने वो देखा होगा वो क्रिस थ्री, वो कौन सा था, क्रिस थ्री से पहले जो आई थी मूवी, उसमें वो होता है जादू, उसमें देखना उसकी तो आंखें होती है लेकिन उसकी आंखों के मोटे ना बहुत मोटे मोटे वो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसके आई स्पॉट होते हैं। तो यही इसमें क्या, इसमें आई स्पॉट बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इनके बनने के लिए वो सिफलाइजेशन कहते हैं। तो बेटा ये डीजनरेशन समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए हम लोगों में डीजनरेशन की क्रिया होती नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे में जिस छिपकली होती है, छिपकली में डीजनरेशन पाया जाता है, उसमें क्या, उसकी पूंछ फटी और तुरंत बन गई कुछ दिनों के बाद। स्टारफिश में होती है, क्या होता है उसमें, अगर स्टारफिश की एक भुजा कट जाए तो धीरे धीरे वो दोबारा से वो भुजा उग जाती है, हाइड्रा में क्रिया पाई जाती है, हाइड्रा की अगर एक टेंटिकल हाइड्रा कट जाए तो वो दूसरा बन जाता है। तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है दोबारा रीजनरेशन, देखिए री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब निर्माण होना किसी चीज का, तो दोबारा किसी चीज का निर्माण होना क्या कहलाता है, रीजनरेशन हिंदी में पुनरुद्भवन, पुनः किसी चीज का निर्माण होना। तो इसमें क्रिया पाई जाती है, आप समझ जाइए। कॉर्निबोर होते हैं, कॉर्निबोर का मतलब क्या है, मांसाहारी। एनिमल की बॉडी के अंदर फीड करेंगे तो एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होता है, मांस होता है, तो ये क्या खाते हैं, उसी के मांस को खाते हैं, तो ये कैसे कहलाते हैं, कॉर्निबोर या कॉर्निबोरस एनिमल होते हैं, इतनी बात ध्यान रखिए। और इसमें से दो एनिमल में आपको अभी एक ऐसा बताने वाला हूं जो हमारे अंदर मिलता है, हम लोगों की इंटेस्टाइन में, ये जरूरी नहीं है कि सबकी इंटेस्टाइन में हो लेकिन हाँ ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ज्यादा पाया जाता है, जिसका नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखिए सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट आया, सकर्स को हिंदी में चूसक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूसक, यानी क्या करेंगे, अब इन्हें खून चूसना है तो क्या करेंगे, इनके पास कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए तलवार से घुसेड़ने के लिए, तो क्या करते हैं, इनके अंदर टेंटिकल यानी ऐसी कुछ गोल बहुत बारीक नुकीली संरचनाएं होती है जिनका नाम सकर्स होता है। ये एनिमल के मतलब ये एनिमल था, इसकी बॉडी में ऐसे घुसाया और उसके अंदर से ब्लड चूसना स्टार्ट कर दिया, वहीं चिपक जाते हैं, पूरा जीवन वहीं बिताते हैं अपना। अगली बात देखते हैं, फिर में क्या होता है, चूसक के सकर्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे होते हैं, कॉर्निबोर। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज पे, इनमें फ्लैम सेल प्रेजेंट होती है, ज्वाला कोशिकाएं। तो इन इस संघ के जंतुओं में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं बेटा। और प्रोटोनेफ्रिडिया का जो फंक्शन होता है वो होता है उत्सर्जन क्रिया करना, क्या होता है, उत्सर्जन करना। उत्सर्जन आप समझते हैं कि बॉडी में जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको बॉडी से रिलीज करना, उत्सर्जन कहलाता है। किसकी फॉर्म में, अब चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में हो, चाहे यूरिया के फॉर्म में हो, चाहे यूरिक एसिड की फॉर्म में हो, वो होता है इसमें। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल प्रेजेंट होती है, इनका फंक्शन होता है उत्सर्जन क्रिया करना। इसमें बेटा अगला पॉइंट मैंने और लिखा, एडवांस नर्वस सिस्टम, सिस्टम नहीं आना चाहिए वैसे यहाँ पे क्योंकि सिस्टम अभी बना ही नहीं है, यहाँ पे अभी सिर्फ ऑर्गन बने। तो क्या है, एडवांस न्यूरॉन पाए जाते हैं, एडवांस, अगर इसको जरा से पता चल जाता है कि हमारे चारों तरफ कोई आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैंने एनसीईआरटी में दिए थे आपके सामने वो रख दिए हैं। ये हमारे सभी पॉइंट किसके हैं, ये सामान्य लक्षण किसके हैं, प्लेटियम एंड थीज के हैं, इनको हम कॉमनली फ्लैटवर्म कहते हैं। इनकी जन्म लेयर क्रिप्टोब्लास्टिक होती है, एसिलोमेट होते हैं, सिमेट्री बायलेटरल होती है, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, एंडोपैरासाइट होते हैं, डिजनरेशन की प्रोसेस होती है, कॉर्निबोर होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैम सेल पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको, अगर हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए आप लोग। आप देखते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल का आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि सर आपने एग्जाम्पल तो बताए नहीं इसके, जो आप कह रहे थे कि हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने उसके बड़े लंबे लंबे से डायग्राम बनाए, आप उनको देखिए, मैं इस वीडियो में दे रहा हूं आपको, देखिए नजर देख पा रहे होंगे आप लोग।
अब देखिए, सबसे पहले इसका जो होता है वो प्लेनेरिया, मैंने आपको अभी लिखा था इसके एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्लेनेरिया डायग्राम भी बनाया था मैंने प्लेनेरिया का भी आपके सामने। उसके बाद में इसमें बेटा आता है आपका, तो इसमें और आता है आपका लीवर फ्लू। क्या आता है? लीवर फ्लू, जिसे हम एकृत कृमि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तीसरा इसमें बेटा एग्जाम्पल आता है आपका, तो आप बताएंगे टेप वॉर्म, टेप फीता कृमि। क्या होता है? फीता कृमि होता है बेटा ये, यही जो होता है वो होता है ह्यूमन की इंटेस्टाइन। क्या होता है? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला टेप वॉर्म बहुत लंबा होता है, मनुष्य की छोटी आंत में जाके चिपक जाता है, वहीं से सारा भोजन खाता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है, आदमी बिल्कुल बेचारा कैसा हो जाता है, दुबला पतला सा हो जाता है। अब कहते हैं कि वो हम खाते तो बहुत है, पता नहीं क्या होता है, तो खाने वाला तो और बैठा है ना दूसरा, अंदर सारी प्रोटीन सब कुछ आपका ही लेके जा रहा है, तो क्या करेंगे आप फिर? तो ये क्या है? टेप वॉर्म होता है। इसकी लाइफ साइकिल इनकी दोनों की वैसे आप कोर्स में नहीं है, किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा प्लेनेरिया, लीवर फ्लू और टेप वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी में फील करते हैं, कैसे रहते हैं, कौन का दूसरा होस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई बेटा, इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये आपका फाइलम प्लेटिहेलमिंथी समाप्त होता है। और आपसे निवेदन है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी किताब जरूर लेके बैठिए बेटा इसमें, ठीक है। और अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप लिख के भेज सकते हैं, 9058636408। इसमें मैं आपको कंटिन्यूसली कक्षा 11 के जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको बहुत डिटेल से एक टॉपिक को हर वीडियो के माध्यम से क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें आप जो भी कक्षा 11 या 12 में जुड़ना चाह रहे हैं उसका आप दे सकते हैं। अगर 11 लिखना तो व्हाट्सएप पे लिख के बस एंट्री कक्षा 11 लिखना है, क्लास 11। और अगर 12th में लेना चाह रहे हैं तो एंट्री क्लास 12 आप मैसेज कर दीजिए, बाकी भी जो भी होगा वो आपको सब बता दिया जाएगा क्या कैसा होना है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये क्या समाप्त हुआ, दो फाइलम हमने पढ़े, कौन से? टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथी। अगला जो हमारा फाइलम होगा वो होगा एसके हेलमिंथीज। कौन सा होगा? एसके हेलमिंथीज होगा। तो आप पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा बड़ी महामारी कोरोना के फॉर्म में चल रही, COVID-19, ठीक है। तो आप इसके थोड़ा अपने आप को जब भी घर से बाहर निकले फेस मास्क वगैरह लगा के निकले, ठीक है, और उचित दूरी बनाए रखें, कोशिश करें कि घर से ना निकलना हो।